नमस्कार प्यारे दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर मेरा नाम है संदीप अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू हाईवे इंजीनियरिंग के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ हम हमारे आज के इस सेशन को शुरू करेंगे और ये क्वेश्चंस दोस्तों जो भी हम इन सीरीज के अंदर जो इन सेशन के अंदर क्वेश्चन करेंगे वो कॉम्बिनेशन होगा जहां जहां पर थियोरिटिकल क्वेश्चन या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे जिन टॉपिक से उन्हें डिस्कस करेंगे और जहां से न्यूमेरिकल बनते हैं उन्हें भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आप सभी को बता दें कि हमारा अब से जो टाइमिंग है वो एट पी होगा इवनिंग में आठ बजे शाम को आठ बजे से हम हमारे सेशन शुरू करेंगे अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ भी आप इसे शेयर कर सकते हैं साथ ही साथ में अगर आपने अभी तक अपनी ऐप डाउनलोड नहीं की है तो ऐप का नाम है संदीप जाने सिविल इंजीनियरिंग वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं जिससे कि आप अपने सिविल इंजीनियरिंग के एग्जाम्स चाहे वो स्टेट के एग्जाम हो ई जेई एग्जाम हो या एस जेई हो सारे सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड एग्जाम्स की तैयारी आप कर पाए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं हेल्प एट द रेट संदीप जानी डॉट कॉम साथ ही साथ में सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिए हुए हैं लेटेस्ट बिगिन विद क्वेश्चन नंबर वन बचपन के सवाल बिल्कुल एकदम बेसिक से बेसिक जो बचपन में हमने पढ़े होंगे ऑल ये क्वेश्चन जो है आपके जेई एग्जाम में पूछे गए हैं च ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज चीपेस्ट इन कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें से कौन सा सबसे चीपेस्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज चीपेस्ट इनमें से अगर हम देखें तो वॉटरवे सबसे चीपेस्ट है वॉटर वे को बनाना और मेंटेन करना बाद में सबसे चीपेस्ट है ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन विच कोड गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट डायमेंशन वेट ऑफ रोड डिजाइन व्हीकल्स कोड गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द एंड वेट्स ऑफ रोड व्हीकल्स सही आंसर है इसका इंडियन स्टैंडर्ड आईआरसी आईआरसी आरसी डायमेंशन एंड weights ऑफ रोड डिजाइन vehicle आई आर सी थ्री एटी थ्री आप इसके लिए यूज करते हैं आई आर सी स्पेसिफिकेशन सेवनटी थ्री आई आर सी स्पेसिफिकेशन सेवन थ्री डिजाइन ऑफ हाईवे के लिए आप यूज करते हैं एटी सिक्स आई आर सी एटी सिक्स अर्बन रोड एंड स्ट्रीट के लिए आई 37 थर्टी सेवन आप यूज करते हैं गाइडलाइंस फॉर डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर येलो लर हाईवे किलोमीटर स्टोन रिप्रेजेंट अब तक तो क्वेश्चन इस तरह से पूछे हुए हैं कि येलो कलर का अगर हाईवे किलोमीटर स्टोन है तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि उस स्टोन के ऊपर क्या क्या डिटेल्स आपको देखने को मिलती हैं। इस सेशन में थोड़ी सी स्पीड आप एक्सपेक्ट कर लीजिएगा रीजन बीइंग हमें क्वेश्चंस करने हैं ये सेशन प्रैक्टिस बेस्ड हैं और साथ ही साथ में हम टॉपिक्स को टाइमली कवर कर पाए इसलिए थोड़ी सी स्पीड रहेगी करेक्ट आंसर इज नेशनल हाईवेज येलो कलर आपको देखने को मिलेगा नेशनल हाईवेज पर स्टेट हाईवेज की बात करें तो ब्रिलियंट ग्रीन देन आपके पास आते हैं व्हाइट मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स के ऊपर रूरल रोड्स के ऊपर ऑरेंज कलर आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट अगर आप जो किलोमीटर स्टोन देखेंगे किलोमीटर स्टोन जो आपको नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे के ऊपर आपको जो देखने को मिलेगा मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स के ऊपर किलोमीटर रहेगा इसके अंदर प्लेस का नेम रहेगा इसके अंदर और साथ ही साथ में रूट नंबर इसके ऊपर मैंशन होगा सो दिस इज द टाइप डिजाइन फॉर ऑर्डिनरी किलोमीटर स्टोन जो कि नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के ऊपर होगा क्लियर ये स्टोन अगर हम पर्टिकुलरली इस स्टोन की हम बात करें तो फॉर ऑर्डिनरी किलोमीटर स्टोन ये डिटेल्स आपको प्रोवाइड करता है देन फिफ्थ किलोमीटर स्टोन अगर आपके पास है नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के ऊपर तो फिफ्थ किलोमीटर स्टोन के ऊपर आपको देखने को मिलेगा किलोमीटर फिर उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेशन कौन सा है उसका नाम

अब जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट आपको याद रखने हैं हिस्ट्री ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग में से वो ये है कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के अंदर व्हील का इन्वेंशन हुआ था उसके बाद जो सबसे पहला प्रमाण रोड्स का देखने को जो मिलता है वो असीरियन एम्पायर के दौरान मिलता है 1900 बीसी के अंदर हु कंस्ट्रक्टेड वन ऑफ द फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट रोड एंड इज कंसिडर्ड टू बी पाइनियर इन द फील्ड ऑफ रोड इंजीनियरिंग Who Who construct constructed one of the first and oldest roads? सबसे पहले और सबसे पुरानी रोड्स किसने कंस्ट्रक्ट की थी रोमन्स ने कंस्ट्रक्ट की थी और बहुत सारी रोड्स तो आज भी आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी रोमन रोड्स के बारे में जो आपको मेन जानकारी याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि रोमन रोड्स की थिकनेस थी वो बहुत ही ज्यादा थी 75 सेंटीमीटर से लेके 120 सेंटीमीटर तक ये थिकनेस थी उन्होंने बहुत ही बड़े बड़े हैवी स्टोन का इस्तेमाल किया और ये कंस्ट्रक्शन ऑब्सोल्यूट हो गया धीरे धीरे यूज करना बंद हो गया रीजन बिंग कि ये बहुत ही महंगा पड़ता था बहुत ही महंगा कंस्ट्रक्शन था क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑब्वियसली आज तक एग्जिस्ट कर रही है लेकिन ये कंस्ट्रक्शन बहुत महंगा था नेक्स्ट बात करें फ्रांस के अंदर ट्रेसगेट कंस्ट्रक्शन इसके अंदर थोड़ा और इंप्रूवमेंट हुआ और ये बोला गया कि कि पेवमेंट की थिकनेस जरूरी नहीं है कि आप 75 सेंटीमीटर से लेकर के 120 तक ही लेके जाएं आप 30 सेंटीमीटर के ऑर्डर का कंस्ट्रक्शन भी आप रख सकते हैं इसके अंदर जो स्लोप दिया गया वो स्लोप था वन इन फोर्टी का वन इन फोर्टी का यहाँ पर स्लोप प्रोवाइड किया गया शोल्डर्स का स्लोप जो था वो वन इन ट्वेंटी था पेवमेंट का या सरफेस का अगर स्लोप की बात करें वन इन फोर्टी फाइव का था नेक्स्ट फ्रेंच रोड्स के अंदर टू हंड्रेड एम एम की पीसेस जो हैं उन्हें यूज किए गए हैवी स्टोन नीचे यूज किए ऊपर छोटे साइज के स्टोन जो हैं वो यूज किए गए थे टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन या ब्रिटिश कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो वन इन फोर्टी फाइव का स्लोप इनके अंदर आपको देखने को मिला था एक तरफ जो नीचे वाली पेवमेंट सबसे बॉटम मोस्ट स्टोन जो था उसकी थिकनेस सेंटर पर 22 सेंटीमीटर बाहर तक जाते-जाते ये 17, 17 तक हो गई 4 सेंटीमीटर का इसके ऊपर एक सरफेस वेयरिंग कोर्स था जिसकी स्लोप फिर से 1 इन 45 आपको देखने को मिलती है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैकेडम से रिलेटेड आपको याद रखना है कि वो कौन से रिसर्चर थे जिन्होंने सबसे पहले ये बोला कि हैवी स्टोन्स की आपको जरूरत नहीं है नीचे प्रोवाइड करने की आप अगर स्टोन्स को ऊपर प्रोवाइड करेंगे तो स्ट्रेस ज्यादा ऊपर रहता है और नीचे जाते जाते स्ट्रेस कम हो जाता है तो मैकेडम ने ऐसा बताया मैकेडम ने ऐसी रेसिपी दी जिसे हम आगे जाकर के वाटर बाउंड मैकेडम भी कहते हैं कि स्टोन के बीच में आप स्टोन डस्ट भर दीजिए और वाटर अप्लाई करके उसको अच्छे से कॉम्पैक्ट कर दीजिए तो वो सरफेस भी आपको बहुत अच्छे से रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर देगा मैकेडम ब्रिटिश रोड आई उसके बाद हैवी फाउंडेशन स्टोन आर नॉट एट ऑल ने प्लेसड एट दॉटम लेयर ऑफ रोड विद ग्रेड क्रॉस स्लोप ऑफ इन थर्टी सिक्स ऐसा किसने बताया मैकेडम ने मैकेडम के बारे में अगर स्लोप आपसे पूछा जाए तो वन इन थर्टी सिक्स आपको याद रखना है दोनों के बीच में कंपेरिजन देखेंगे अगर आप तो टेलफोर्ड ने वन इन फोर्टी फाइव का स्लोप बताया था मैकेडम ने वन इन थर्टी सिक्स का स्लोप बताया था नेक्स्ट क्वेश्चन सीपीडब्ल्यू डी सीपीडब्ल्यू डी वॉज क्रिएटेड इन पब्लिक वर्क को एग्जीक्यूट करने के लिए लॉर्ड धलौजी ने नाइन एटीन फिफ्टी फोर के अंदर जुलाई 1854 के अंदर CPWD क्रिएट किया इंडिया के अंदर अगर हम बात करें वर्ल्ड वॉर वन की बात वर्ल्ड वॉर वन के बाद इंडिया के अंदर 1927 के अंदर रोड डेवलपमेंट कमेटी बनाई गई जिसका नाम रखा गया जयकार कमेटी अब हम टाइमलाइन के साथ साथ समय के साथ साथ कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे उनके बारे में भी बात कर लेंगे जयकार कमेटी कब फॉर्म हुई 1927 ट्वेंटी एम आर जयकार के नाम पर इस कमेटी का नाम जयकार कमेटी रखा गया सीपीडब्ल्यू डी एटीन के अंदर फॉर्म हुआ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कब फॉर्म हुआ बीआरओ कब फॉर्म हुआ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्मड इन 1960. 19 सी आर आर आई सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट यह प्रपोज किया था जयकार कमेटी ने दिस वॉज प्रपोज बाय जयकार कमेटी इन विच ऑफ द फॉलोइंग जयकार कमेटी वॉज फॉर्म्ड अभी अभी डिस्कस किया हमने 1927 के अंदर फॉर्म हुआ था जयकार कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन दिए थे जिन रिकमेंडेशन के अंदर क्या क्या बताया गया सबसे पहला रिकमेंडेशन था कि रोड डेवलपमेंट और रोड कंस्ट्रक्शन जो है वो नेशनल इंटरेस्ट से जोड़कर देखा जाए किसी भी देश के विकास के लिए वहां का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है फिर उन्होंने कहा कि पैसा कहां से आएगा इसके लिए टैक्स लगाया जाए व्हीकल्स जो हैं जो परचेज होते हैं उनके ऊपर टैक्स लगाया जाए रोड को यूज कर रहे हैं रोड टैक्स लगाया जाए पेट्रोल के ऊपर डीजल के ऊपर फ्यूल्स के ऊपर टैक्स लगाया जाए तो सेंट्रल रोड फंड की स्थापना की गई 1929 के अंदर ये आपको याद रखना है फिर एक ऐसी टेक्निकल बॉडी हो जो हमें रोड डेवलपमेंट के अंदर हेल्प करे बताए तो की की यहां स्थापना गई 1934 के अंदर उसके बाद एक रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट इसे एस्टेब्लिश किया गया 1950 के अंदर फिर जयकार कमेटी ने कहा कि 20-20 सालों के टारगेट रखते हैं और रोड प्लान्स बनाए गए उसके अकॉर्डिंग और फिर उनको एग्जीक्यूट करना शुरू किया गया जैसे जैसे रोड के ऊपर व्हीकल की क्वांटिटी बढ़ती चली गई तो वैसे वैसे जरूरत पड़ी रूल्स बनाने की आप स्कूल में जब गए थे बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल बचपन का एग्जाम्पल कि जब स्कूल के अंदर 100, 200, 400, 500 हजार बच्चे अगर हैं तो उन सब बच्चों को हम कैसे प्रॉपरली मैनेज कर पाए इसलिए आपको क्या बताया जाता था असेंबली करवाई जाती थी आपको डिसिप्लिन के बारे में बताया जाता था आप एक लाइन के अंदर खड़े होते थे वॉक करना होता था अगर पूरी भीड़ को तो आप लाइन में चला करते थे तो क्या होता है बेसिक से रूल्स बनाए दिए जाते हैं वैसे ही यहां पर मोटर व्हीकल एक्ट लाया गया जिसके अंदर वो रूल्स रेगुलेशन लॉज बनाए जाए जिनके तहत हम फ्लो ऑफ ट्रैफिक को बहुत स्मूदली ऑर्गेनाइज कर पाए 1939 इज द करेक्ट आंसर 1939 के अंदर मोटर व्हीकल एक्ट लाया गया आईआरसी इंडियन रोड कांग्रेस अभी थोड़ी सी देर पहले ही हमने डिस्कस किया आईआरसी 1934 के अंदर फॉर्म हुआ क्लियर मोटर व्हीकल एक्ट 1939 के अंदर सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट सी आर आर आई नाइनटीन फिफ्टी के अंदर उसके बाद दोस्तों टाइमलाइन के हिसाब से चल रहे हैं, आगे आगे 1956 के अंदर आया नेशनल हाईवे एक्ट नेशनल हाईवे एक्ट लाना क्यों जरूरी हो गया कि अगर हमें रोड्स बनानी है तो रोड बनाने के लिए सबसे बेसिक और सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो यह है कि जगह चाहिए होगी तो जगह अगर चाहिए होगी नेशनल इंटरेस्ट में या देश के विकास के लिए अगर कहीं पर जगह की जरूरत है रोड कंस्ट्रक्शन या हाईवे कंस्ट्रक्शन के लिए तो 1956 का जो नेशनल हाईवे एक्ट था वो पास किया गया जिसका फीचर यह था कि अगर रोड कंस्ट्रक्ट करनी है तो उसके लिए आप किसी की भी प्रॉपर्टी के अंदर एंटर कर सकते हैं सर्वे के लिए और साथ ही साथ में उस प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हैं वो बात है कि हाँ जिसकी भी वो प्रॉपर्टी है उसका प्रॉपर वैल्यूएशन करके और उस वैल्यूएशन के हिसाब से उसे कंपनसेट कर दिया जाए मुआवजा दे दिया जाए जो भी सर्कल रेट्स हैं उन सर्कल रेट से ज्यादा पैसे दे दिए जाए कोई भी किसी भी प्रकार की फसल अगर वहां पर है तो उसके लिए भी कंपनसेशन दिया जाए या समय दे दिया जाए कि वो अपनी फसल को वहां से काट सके ताकि उनकी मेहनत खराब ना हो किसी भी प्रकार का कोई कंस्ट्रक्शन अगर एग्जिस्ट कर रहा है कोई बिल्डिंग अगर एग्जिस्ट कर रही है तो उसको भी अकॉर्डिंगली कंपनसेट किया जाएगा सो टू डिक्लेयर सिलेक्टेड हाईवेज एज नेशनल हाईवे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ये दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकिन ये बात है कब की 1956 की जब तक पीपी मॉडल्स नहीं आए थे टू एंटर इनटू एनी लैंड फॉर कैरिंग आउट सर्वे एंड टू एक्वायर लैंड एंड टेक पोजिशन ये सब आया नेशनल हाईवे एक्ट 1956 के अंतर्गत बाद में जाकर के 1988 में उसी को रिवाइज कर दिया गया नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से या फिर आप जिसे एनए नाइनटीन 1988 के नाम से जान सकते हैं जो है वो 1995 के अंदर ऑपरेट करना शुरू हो गया तो अगर अब तक इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आए हैं आने वाले समय में चांस है कि इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ ले

अकॉर्डिंग टू नागपुर प्लान इंडियन रोडिफाइड इन टू नागपुर प्लान के अकॉर्डिंग इंडियन रोड को पांच कैटेगरी के अंदर क्लासीफाई किया गया था स्टेट हाईवे फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट अदर डिस्ट्रिक्टे आ गई फिर विलेज रोड तो पांच तरीके से इसको क्लासीफाई किया गया था द नागपुर रोड प्लान फॉर्मूला वर्क और नागपुर प्लान जो है वो नाइनटीन फोर्टी थ्री से नाइनटीन सिक्सटी थ्री तक चला फर्स्ट ट्वेंटी ईयर प्लान ये था नागपुर रोड प्लान फॉर्मूला प्रिपेयर्ड वॉर स्टार एंड ग्रेड पैटर्न इसके अंदर इस्तेमाल किया गया अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ फेमस नागपुर प्लान ऑल नेशनल हाईवे एंड नेशनल हाईवे और कौन सी रोड को एक ड्यूरेबल हार्ड पेवमेंट से बनाया जाए यह रिकमेंड किया था नागपुर प्लान ने करेक्ट आंसर शुड बी नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे को एक हार्ड ड्यूरेबल पेवमेंट से बनाया जाए यह नागपुर प्लान के अंदर बोला गया नागपुर प्लान के अंदर इस कमेटी ने प्लान किया कि टू लाख किलोमीटर की रोड कंस्ट्रक्ट होगी सिक्सटीन किलोमीटर पर हंड्रेड स्क्वायर किलोमीटर की डेंसिटी रहने वाली है स्टार एंड ग्रेड पैटर्न के ऊपर रोड्स बनेंगी नेक्स्ट प्लान पहला प्लान जो है वो जल्दी ही खत्म हो गया तो इसीलिए नेक्स्ट प्लान 1961 के अंदर बॉम्बे रोड कांग्रेस स्टार्ट हुआ ये सेकेंड ट्वेंटी ईयर प्लान था सिक्सटी से लेके एटी तक यहाँ पर टारगेट किया गया टेन पॉइंट फाइव किलोमीटर की रोड बनाने का साथ ही साथ में बॉम्बे रोड कांग्रेस के अंदर थर्टी टू किलोमीटर की रोड हर सौ किलोमीटर हर सौ स्क्वायर किलोमीटर एरिया में हो ये टारगेट भी रखा गया स्पेशल फैसिलिटीज के साथ एक पेवमेंट बनाया जाए जिसका नाम एक्सप्रेस वे रखते हैं हम तो उसका भी कंस्ट्रक्शन यहां पर दिया गया कि 1600 किलोमीटर का एक्सप्रेस एक्सप्रेसवे भी बनाया जाएगा इसी टाइम पीरियड के दौरान मेन जब ये 61 से 81 की बात हो रही है इसी टाइम पीरियड के दौरान हाईवे रिसर्च बोर्ड ऑफ इंडियन रोड कांग्रेस वाज सेट अप इन 1973 रोड रिसर्च और एक्टिविटीज को और ज्यादा एड प्रोवाइड करने के लिए 1973 में हाईवे रिसर्च बोर्ड ऑफ इंडियन रोड कांग्रेस सेट हुआ नेक्स्ट रिसर्च बोर्ड 1973 के अंदर उसके बाद नेशनल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी कमेटी या जिसे आप एनटीपीसी के नाम से जानते हैं 1978 के अंदर यह सेटअप की गई जिससे कि ट्रांसपोर्ट की पॉलिसीज बनाई जाए एनटीपीसी 1978 के अंदर सेटअप हुआ इनके बारे में और डिटेल डिस्कशन किए जा सकते हैं लेकिन हम अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं इसीलिए ज्यादा यहां पर हम इन पर नहीं रुकेंगे रोड डेवलपमेंट प्लान फॉर इंडिया फॉर द पीरियड ऑफ नाइनटीन एटी वन टू टू थाउजेंड वन नेक्स्ट प्लान लखनऊ प्लान लखनऊ रोड कांग्रेस इस थर्ड ट्वेंटी ईयर प्लान के करस्पॉन्डिंग नेशनल हाईवे की लेंथ जो रखी गई वो एरिया ऑफ कंट्री बाय फिफ्टी स्टेट हाईवे की बात करें तो एरिया ऑफ स्टेट बाई ट्वेंटी फाइव इस तरह से इसे एक्सप्रेस किया गया कैटेगरी डिवाइड कर दी गई जैसे ये कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू दर्ड रोड डेवलपमेंट प्लान विच ऑफ दोड्स इज इनूडेड इन सेकेंडरी सिस्टम से गई जैसे प्राइमरी के अंदर एक्सप्रेस वे और नेशनल हाईवे को डाल दिया गया मॉडर्न लखनऊ क्लासिफिकेशन में प्राइमरी रोड बोला गया एक्सप्रेस वे और नेशनल हाईवे को फिर स्टेट हाईवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड को सेकेंडरी रोड कहा गया टर्शरी रोड्स में अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड्स आ गई क्वेश्चन आपसे कह रहा है अकॉर्डिंग टू द थर्ड रोड डेवलपमेंट प्लान विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ रोड इज इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी सिस्टम सेकेंडरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड हमारा आंसर हो जाएगा वॉट इज द रोड विद इन अटी और अ टाउन इज कॉल्ड एज किसी सिटी या टाउन के अंदर जो रोड है उसे हम कहते हैं अर्बन रोड लखनऊ रोड कांग्रेस की अगर हम बात करें तो 82 किलोमीटर की रोड बन जाए पर 100 स्क्वायर किलोमीटर में यह टारगेट रखा गया यहां पर टोटल रोड लेंथ 27 लाख ,00 किलोमीटर की कंस्ट्रक्ट करने का टारगेट रखा गया लेकिन इससे थोड़ा ज्यादा अचीव हुआ 31.76 वन पॉइंट सेवन हाउएवर लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे ये कम अचीव हुआ जितना इन सब रोड में से इन सब रोड लेंथ में से नेशनल हाईवे और जो स्टेट हाईवे की लेंथ थी वो उतनी नहीं अचीव हो पाई जितनी उन्हें करनी थी लेकिन ओवरऑल लेंथ जो है वो कंस्ट्रक्शन की ज्यादा ही रही द लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे थर्ड ट्वेंटी ईयर प्लान दैट इज लखनऊ प्लान के अकॉर्डिंग लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे कितना कंसिडर किया जाए ऑफ नेशनल हाईवे जो किसी भी कंट्री का एरिया है अगर नेशनल हाईवे की बात करें तो किलोमीटर स्क्वायर में उसका एरिया डिवाइड बाय लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम ऑफ एरिया ऑफ स्टेट बाय 25 या फिर 62.5 माइनस इनटू नंबर ऑफ टाउन माइनस नेशनल हाईवे की जो लेंथ है वो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स के लिए एरिया डिवाइड बाय 12.5 एरिया ऑफ द कंट्री बाय 15 रोड डेवलपमेंट प्लान इंडिया के अंदर अगर हम बात करें फिर ट्वेंटी सेंचुरी जैसे ही शुरू हुई तो नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आए ये कब आए 2000 के अंदर और इन एन नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत गोल्डन क्वाडरी लिटरल फॉर्म किया गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है ये बनाए गए तो आपको बस ये याद रखना है कि नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स 2000 के अंदर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये भी 2000 के अंदर स्टार्ट हुई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा विलेज कनेक्टिविटी को और बेहतर करने के लिए नेक्स्ट रोड डेवलपमेंट प्लान विजन टू जीरो टू वन ये टू थाउजेंड वन से लेके टू थाउजेंड ट्वेंटी वन का नेक्स्ट प्लान था या फोर्थ ट्वेंटी ईयर रोड डेवलपमेंट प्लान था plan, रूरल रोड डेवलपमेंट प्लान ये विजन टू जीरो टू फाइव के अंतर्गत है जिससे रूरल रोड्स के ऊपर फर्दर और बेहतर तरीके से काम किया जा सके ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रिपेयर किया गया नेक्स्ट एक्सप्रेस वेज ऑफ इंडिया की बात करें तो एक्सप्रेस वे के अंदर अभी जो अंडर कंस्ट्रक्शन है गंगा एक्सप्रेस वे वो लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे है इंडिया का जो कि 2025 के अंदर एक्सपेक्टेड है कंप्लीट होने के लिए आपसे अगर ऐसा पूछा जाए सबसे पहला एक्सप्रेस वे कौन सा था तो मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे सबसे पहला एक्सप्रेस वे था लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे जो एज ऑफ नाउ है वो मुंबई नागपुर एक्सप्रेस वे है वाइडेस्ट एक्सप्रेस वे की अगर हम बात करें तो वो डेली डासना जो एक्सप्रेस वे है वो है या फिर डेली टू मेरठ वाला फोर्टीन लेन्स के साथ नेक्स्ट ग्रीनफील्ड फील्ड एक्सप्रेस वे की अगर हम बात करें तो ग्रीनफील्ड फील्ड एक्सप्रेस वे एंड जो ब्राउनफील्ड नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट है इनके अंदर हम और ज्यादा बेटर स्पीड्स वाली और बेटर विथ वाली रोड्स जो है इनके कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं ग्रीनफील्ड फील्ड एक्सप्रेस वे वो एक्सप्रेस वे जिनकी लेन लेन्स की हम विड्थ उसके अंदर रख सकते हैं स्पीड वन ट्वेंटी किलोमीटर पर आर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ब्राउनफील्ड नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट के अंदर एग्जिस्टिंग नेशनल हाईवे की विड्थ को करना या उनकी नंबर ऑफ लेन को इंक्रीज करना चार लेंस के जो हाईवे हैं उन्हें अपग्रेड करके सिक्स लेन के ऊपर उन्हें ले जाना और इन्हें प्रोक्योरमेंट इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मोड ईपीसी मोड के ऊपर अभी बनाया जा रहा है नेक्स्ट भारतमाला नेटवर्क ऑन टू नेक्स्ट पार्ट आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि आपको एम आर पी एल से याद रखना है आप कोई भी चीज परचेज करते हैं तो पहले उसका क्या देखते हैं एम आरपी लेबल देखते हैं सो एम आर पी एल मैप स्टडी रिकॉन्मिन्री सर्वे एंड देन लोकेशन सर्वे स्टेजेस ऑफ इंजीनियरिंग सर्वे फॉर हाईवे लोकेशन इज इन फॉलोइंग ऑर्डर सो पहले मैथ स्टडी फिर कौन सा फिर प्रिलिमिनरी फिर हमारा फाइनल लोकेशन एंड डिटेल सर्वेज द प्लानिंग डिजाइन कंस्ट्रक्शन एंड मेंस ऑफ रोड एंड रोडवे फेसिलिटीज टू द नीड्स ऑफ रोड ट्रैफिक आर कवर्ड अंडर ये किसके अंतर्गत आता है बिल्कुल बेसिक सा सवाल है कि हाईवे इंजीनियरिंग के अंडर ये आता है टारगेट ऑफ अचीविंग एन ओवरऑल डेंसिटी ऑफ रोड लेंथ इन थर्ड ट्वेंटी ईयर रोड डेवलपमेंट प्लान वॉज तीसरे ट्वेंटी ईयर रोड डेवलपमेंट प्लान के अंडर रोड डेंसिटी का टारगेट कितना है 82 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर नेक्स्ट बेस्ड ऑन लोकेशन एंड फंक्शन नागपुर रोड प्लान हैज क्लासिफाइड द रोड इनटू ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया पांच कैटेगरीज के अंदर इसे क्लासिफाई किया गया फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाईवेज हाईवे के प्रिपरेशन के लिए लोंगिट्यूडिनल सेक्शंस की भी जरूरत पड़ती है हमें लेंथ के अलोंग जो सेक्शंस लेते हैं और विड्थ के अलोंग या फिर क्रॉस सेक्शंस जो होते हैं उनकी भी जरूरत पड़ती है बोथ ए एंड बी इन हाईवे कंस्ट्रक्शन ऑन सुपर एलिवेटेड कर्व्स रोलिंग शुड प्रोसीड फ्रॉम जब आप मेटीरियल हाईवे का मेटीरियल या सबग्रेड्स जब आप यूज कर रहे हैं और उन सबग्रेड को कॉम्पैक्ट कर रहे हैं रोलर्स का इस्तेमाल करके रोलिंग का इस्तेमाल करके तो वो रोलर्स कैसे प्रोसीड करने चाहिए जहां पर सुपर एलिवेशन भी है या कर्व भी प्रेजेंट है तो वहां पर आप लोअर एज से लेकर के अपर एज की तरफ रोलिंग करेंगे नीचे से ऊपर की तरफ रोलिंग करते हुए आप जाएंगे साइड से करके सेंटर की तरफ प्रोसीड करेंगे द वैल्यू ऑफ लेटर कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन एज पर आई आर सी इज लॉन्गिट्यूडिनल कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन होता है 0.35 से 0.4 के बीच में लेटरल कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन होता है 0.15। पॉइंट वन फाइव अंडर विच क्लासिफिकेशन ऑफ रोड पेव्ड रोड आर क्लासिफाइड पेव्ड रोड्स जिनके ऊपर पेवमेंट है अनपेवड जिनके ऊपर कोई हार्ड सर्फेस या मेटल सर्फेस नहीं प्रेजेंट है मेटल का मतलब एग्रीगेट्स जो स्टोन के जो स्टोन के पीस आप यूज कर रहे हैं सो so, जो हमारी पेव्ड रोड हैं, उन्हें क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैरिज वे द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मेन फीचर ऑफ रोमन रोड्स रोमन रोड्स का इनमें से कौन सा मेन फीचर है इनमें से रोमन रोड का कौन सा मेन फीचर है रोमन रोड का सबसे मेन फीचर है उनकी थिकनेस 75 सेंटीमीटर से लेकर 120 सेंटीमीटर तक थिक होती है ये ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर बॉम्बे रोड प्लान इज कॉल्ड एज अब ये क्वेश्चन अभी देखने में आपको हो सकता है बहुत ही ऐसे लग रहे हो कि ये क्या है छोटा सा क्वेश्चन लेकिन यही क्वेश्चन जब एग्जाम में आ जाते हैं तो आंसर करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि एग्जाम में ये क्लास वाला माहौल नहीं होता है आपके प्यारे मित्र नहीं होते हैं जो चैट में आपसे पहले आपके लिए उत्तर दे, दे देते हैं बॉम्बे प्लान सेकंड ट्वेंटी ईयर प्लान था ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर द रोड क्लासिफिकेशन सिस्टम विच कैटेगराइज द रोड इंटू थ्री क्लासेस प्राइमरी सिस्टम सेकेंडरी एंड टर्सरी सिस्टम वॉज अडोप्टेड इन कौन से प्लान के अंदर उसे अडॉप्ट किया गया प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तीसरे ट्वेंटी ईयर जो प्लान है उसके अंदर इसे अकाउंट किया गया थर्ड ट्वेंटी ईयर प्लान में इसे अकाउंट किया गया ओडीआर मीन वॉट अदर डिस्ट्रिक्ट रोड ऐसे क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम नहीं रुकेंगे अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स एमडीआर स्टैंड फॉर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स द सिटी रोड्स विच आर मेंट फॉर टू ट्रैफिक यूजुअली ऑन ए कंटिन्यूअस रूट आर कॉल्ड एज आरटीरियल स्ट्रीट्स वो बिजी स्ट्रीट्स हैं किसी अर्बन एरिया की जो ट्रैफिक को लेकर के किसी मेन बड़ी रोड पर जा रही हैं। अर्दन रोड और लो कोस्ट रोड्स आर जनरली कंस्ट्रक्टेड एज अर्दन रोड या जिनके ऊपर आपने कोई हैवी मेटीरियल यूज नहीं किया है महंगा मेटीरियल आपने नहीं यूज किया है मिट्टी से बनी हुई रोड हैं विलेज रोड्स के केस में यूज कर सकते हैं ऑल दो अब तो विलेज रोड्स जो हैं वो भी बहुत अच्छी बन रही हैं बहुत अच्छे से अपग्रेड हो गई हैं द रोड पोर्शन यूज बाय वेक्यूलर ट्रैफिक इज व्हीकल्स रोड के जिस पार्ट को यूज करते हैं उस पार्ट को हम क्या कहते हैं दैट पार्ट इज कॉल्ड एज कैरेज वे लेवल ग्रेड्स में बी यूज इन फिल सेक्शन फॉर रोड इन रूरल एरियाज ऑन फिल सेक्शन इन रूरल एरियाज क्राउन पेमेंट एंड स्लोपिंग शोल्डर्स कैन टेक केयर ऑफ सर्फिस ड्रेनेज अगर आप कहीं पर फिलिंग कर रहे हैं फिलिंग करके कोई रोड को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उस केस में जब आपने उसकी फिलिंग कर दी तो नेचुरल ग्राउंड से वो वैसे भी हाइट पर पहुंच चुका है उसके ऊपर जो आप क्राउन पेवमेंट बना रहे हैं या स्लोपिंग शोल्डर बना रहे हैं इनके कारण सरफेस ड्रेनेज अपने आप हो जाएगा ट्रू भी है एक्सप्लेन भी कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस इन रिगार्ड टू रोड कंस्ट्रक्शन डिजाइन और डेवलपमेंट पहले कौन उसके बाद कौन फिर कौन ट्रेसगेट, टेलफोर्ड मैकेडम सीबीआर। द रोड्स कनेक्टिंग मेजर पार्ट्स ऑफ कंट्री एंड कैपिटल ऑफ स्टेट आर क्लासिफाइड एज कंट्री के मेजर पार्ट्स को कनेक्ट कर रही हैं या फिर स्टेट्स के कैपिटल्स को आपस में कनेक्ट कर रही हैं, ऐसी रोड्स को कहते हैं हम नेशनल हाईवे रोड विच कनेक्ट विलेजेस विद टाउन्स ऑफ सिटीज आर क्लासिफाइड एज विजेस को अगर आपस में कनेक्ट कर रही है विलेज रोड है मेन डिस्ट्रिक्ट को फर्दर जो छोटे टाउन्स हैं आसपास के उनसे कनेक्ट कर रही है डिस्ट्रिक्ट रोड हैं फिर इनके अंदर अब विलेज एरिया से अगर पास कर रही है तो वो विलेज रोड को आप अदर डिस्ट्रिक्ट रोड जो है वो भी बोल सकते हैं आप जनरली हम ये कहते हैं कि वो रोड्स जो अर्बन एरियाज़ से जा रही हैं अर्बन रोड्स रूरल से जा रही हैं रूरल रोड्स। रोड विच कनेक्ट्स डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स ऑफ अ स्टेट एक स्टेट के अंदर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को जो कनेक्ट करती हैं उन रोड को हम स्टेट हाईवे कहते हैं मिनिमम कोफिशियंट ऑफ लिटरल फ्रिक्शन जीरो पॉइंट लॉन्गिट्यूडिन जीरो पॉइंट थ्री फाइव द पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म प्लान फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रोड इन इंडिया बीस साल का था ट्वेंटी ईयर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रलिमिनरी सर्वे इज प्रमिनरी सर्वे का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है सॉइल की प्रॉपर्टीज को ड्रेनेज की प्रॉपर्टीज को उस एरिया के जो मेन इंफॉर्मेशन है उनको कनेक्ट करना जो भी अलाइनमेंट्स पॉसिबल हैं उनको देखना और फिर उनमें से बेस्ट अलाइनमेंट को डिसाइड करना ऑल ऑफ दिस फॉलोइंग इज द सिंबल ऑफ ये अगर डैश डैश करके सिंबल बनाया हुआ है तो इट इज अ सिंबल ऑफ अनमेटेल्ड रोड सिंबल्स आपको याद है ये सर्वे के अंदर भी हम देखते हैं हाईवे इंजीनियरिंग के अंदर भी देखते हैं सो अनमेट रोड या कच्ची सड़क का ये निशान बना हुआ है मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे के अंदर आपके पास टाइप्स ऑफ रोड आ जाती हैं टाइप्स ऑफ रोड में रूरल रोड्स जो रूरल रीजन से जा रही है वो नेशनल हाईवे भी हो सकती है एक्सप्रेस भी हो सकता है स्टेट हाईवे मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड या अदर डिस्ट्रिक्ट रोड विलेज रोड्स जो विलेजेस को कनेक्ट करती हैं वो भी हो सकती हैं अर्बन एरिया से जाने वाली रोड्स अर्बन अर्बन रोड एक्सप्रेस वे आर्टेरियल रोड सब आर्टेरियल कलेक्टर लोकल स्ट्रीट्स हो सकती हैं इसके अंदर जिस व्हीकल को ध्यान में रख करके आप डिजाइन करते हैं रोड को उसे कहते हैं हम डिजाइन व्हीकल एज पर आईआरसी व्हाट शैल बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ट्रक एंड ट्रेलर कॉम्बिनेशन ऑफ रोड व्हीकल आईआरसी के हिसाब से अगर हम बात करें 18 मीटर इज द करेक्ट आंसर ट्रक एंड ट्रेलर कॉम्बिनेशन की बात करें तो 18 मीटर उसकी लेंथ हो सकती है आईआरसी के हिसाब से आईआरसी के अकॉर्डिंग किसी भी व्हीकल की जो मैक्सिमम विड्थ है है वो कितनी हो सकती 2.5 मीटर अब इन दोनों पॉइंट से रिलेटेड हमारा आईआरसी क्या कहता है इसको आप देख लीजिए सबसे पहले डेफिनेशन बताई जाती है ट्रक की कि ट्रक क्या है अब वो ट्रक अपने दिमाग से निकाल दीजिए जिस ट्रक को आप रोड पर देखते हैं या जिसके म्यूजिक को जिसके हॉर्न को आप एंजॉय किया करते हैं अक्सर यहां पे हम बात कर रहे हैं ट्रक एक ऐसे व्हीकल की एक ऐसा कंपोनेंट जो कि ड्राइव कर रहा है जो कि पुल कर रहा है किसी ना किसी लोड को सो so, ट्रक अ मोटर व्हीकल डिजाइन यूज और मेनटेन प्राइमरली फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड और ट्रक के अंदर ट्रक ट्रैक्टर वाला पोर्शन जो ड्राइव कर रहा है खींच रहा है ट्रक ट्रेलर कॉम्बिनेशन मतलब ट्रक जो है ये कहलाएगा आपका ट्रक ट्रैक्टर वाला पोर्शन जिसके अंदर इंजन लगा हुआ है जो पुल कर रहा है जो हॉल कर रहा है और इसके पीछे ट्रेलर रहेगा अब ये ट्रेलर इसके साथ कनेक्टेड है या सेमी ट्रेलर की फॉर्म में है या फुल ट्रेलर है ये हमें देखना होगा इनके बारे में आईआरसी अलग अलग नाम बताता है ट्रक एक ऐसा व्हीकल है जो कि गुड्स को कैरी करने के काम आता है ट्रक ट्रैक्टर मतलब उस ट्रक का वो वाला पोर्शन उस ट्रक का वो वाला पोर्शन जो कि पुल करने के काम कर रहा है या फिर जिसके अंदर इंजन लगा हुआ है ट्रक ट्रेलर कॉम्बिनेशन के अंदर एक ट्रैक्शन करने वाला ट्रैक्टर प्लस उसके पीछे का ट्रेलर इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम ट्रक ट्रेलर बोल देते हैं एक बार आप इन इमेजेस को देखिएगा आई कुछ नाम बताता है इनको नोटेट करने के लिए नोटेशन बता रहा है कि इनका टाइप क्या है कैसे उसे हम डेजिग्नेट कर सकते हैं अगर कहीं पर एस लिखा हुआ है अगर कहीं पर एस लिखा हुआ है तो वो आपको बता रहा है सेमी ट्रेलर अगर एस नहीं लिखा हुआ है तो वो आपका फुल ट्रेलर है ये आपको डिफाइन किया जा रहा है ये आपको जैसे लेट सी टाइप टू अगर आई आपको नॉमन बताता है नोटेशन बताता है किसी भी ट्रक ट्रेलर कॉम्बिनेशन के तो टाइप टू अगर आपको लिखा हुआ है सो टाइप टू का मतलब क्या है टाइप टू का मतलब क्या है टाइप टू का मतलब है कि इसके अंदर दो एक्सेल होंगे टाइप का मतलब इसमें दो एक्सेल है एक एक्सेल ये दूसरा एक्सेल ये टाइप थ्री का मतलब तीन एक्सेल होंगे और यहां पर ट्रक ट्रेलर कंबाइंड फॉर्म में ही है या फिर ये कह लीजिए ट्रैक्टर ट्रैक्टर जो है ट्रक का मतलब ड्राइविंग वाला पार्ट जो पुल कर रहा है वो वाला पार्ट तो ट्रक ट्रैक्टर और ट्रेलर जिसके अंदर गुड्स होंगे सामान होंगे वो एक साथ ही है सो टाइप थ्री का मतलब इसके अंदर एक दो तीन तीन यहां पर एक्सेल होंगे क्लियर टाइप टू का मतलब जब भी टाइप के आगे लिखा हुआ है जैसे ये तो टाइप टू है इसके बारे में कोई और जानकारी नहीं दी मतलब कॉम्बिनेशन है ट्रक ट्रैक्टर और इसी के पीछे जो स्पेस है उसमें गुड्स या सामान आ सकता है टाइप थ्री के अंदर तीन एक्सेल है टाइप टू का मतलब कि जो ट्रक ट्रैक्टर है उसके अंदर तो दो एक्सेल है और जो पीछे सेमी ट्रेलर है एस मतलब सेमी ट्रेलर सेमी ट्रेलर के अंदर एक एक्सेल है अब ये सेमी ट्रेलर बिना इस ट्रक ट्रैक्टर के स्टैंड नहीं कर सकता ये सेमी ट्रेलर है ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा इस पर कनेक्ट करना ही पड़ेगा आपको नेक्स्ट देखिए टाइप टू एस टू को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो टाइप टू ये बता रहा है कि ट्रक ट्रैक्टर जो आगे वाला पोर्शन है ट्रक ट्रैक्टर दो एक्सेल वाला है एस टू का मतलब सेमी ट्रेलर है जिसके ऊपर दो एक्सेल है टाइप थ्री मतलब तीन एक्सेल है किसके ऊपर ट्रक ट्रैक्टर के ऊपर और जो ट्रेलर है पीछे का उसके बारे में एस वन लिखा हुआ है कि वो सेमी ट्रेलर है और एक एक्सेल है सेमी का मतलब कि वो उसे अगर अकेले में आप देखेंगे तो वो स्टेबल नहीं रह पाएगा टाइप थ्री जो ये बता रहा है कि ट्रक ट्रैक्टर पर तीन एक्सेल हैं एस टू एस टू यह बता रहा है आपको कि सेमी ट्रेलर के ऊपर दो एक्सेल लगे हुए हैं टाइप टू टू यह बता रहा है टाइप टू ये कहेगा कि ट्रक ट्रैक्टर दो एक्सेल वाला है और जो ट्रेलर है वो ट्रेलर यहां पर फुल ट्रेलर है सेमी ट्रेलर नहीं है और इस पर दो एक्सेल लगे हुए हैं टाइप थ्री टू टाइप थ्री का मतलब ट्रक ट्रैक्टर के तीन एक्सेल हैं आगे जो हाइफन से टू लगा हुआ है मतलब पीछे ट्रेलर है इसके ऊपर दो एक्सेल लगे हुए हैं टाइप टू हाइफन थ्री लिखा हुआ है ट्रक ट्रैक्टर के पास दो एक्सेल हैं और पीछे जो ट्रेलर है उस पर तीन है टाइप थ्री थ्री ट्रक ट्रैक्टर पर भी तीन एक्सेल पीछे वाले ट्रेलर पर भी तीन एक्सेल क्लियर तो ये तो डेजिग्नेशन है अगर आपसे कभी भी एग्जाम में पूछ ले कि एज पर आईआरसी नोटेशंस टाइप 3 S1 डिनोट्स टाइप 3 S1 का मतलब होगा कि ट्रक ट्रैक्टर पर तीन एक्सेल है, सेमी ट्रेलर है उसके पीछे और उस पर एक एक्सेल है तो ये आपको नाम पहचान में आने चाहिए ट्रक कॉम्बिनेशन हो गया ट्रेलर का और ट्रक ट्रैक्टर का ट्रक ट्रैक्टर वो पार्ट जो पूरे गुड्स को या पूरे वेट को आगे पुल कर रहा है विड्थ के बारे में आईआरसी ने कहा कि 2.5 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए हाइट की अगर हम बात करें नो अदर व्हीकल अदर देन डबल डेकर बस अ हाइट पॉइंट 3.8 मीटर 3.8 मीटर से ज्यादा किसी भी व्हीकल की हाइट नहीं होनी चाहिए और अगर आईएसओ कंटेनर्स आप यूज कर रहे हैं 4.2 मीटर उस केस में उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए डबल डेकर बस इज मे मीटर। एवर मे व्हीकल्स की हाइट थ्री मीटर से ज्यादा नहीं होगी आई एसओ कंटेनर होते हैं जिनके अंदर सामान जाता है फोर पॉइंट टू मीटर से ज्यादा हाइट नहीं होगी डबल डेकर बस फोर पॉइंट सेवन फाइव मीटर से ज्यादा हाइट नहीं होगी लेंथ के बारे में IRC ने क्या कहा कि अगर सिंगल सिंगल यूनिट यूनिट का का ट्रक है, का ट्रक है मतलब जैसा आपको ये दिखाई दे रहा है एक ही यूनिट में बना हुआ है ट्रक ट्रैक्टर और ट्रेलर अलग अलग नहीं है सिंगल यूनिट के ट्रक के, के केस में इलेवन मीटर तक इसकी लेंथ हो सकती है ट्रक की बात कर रहे हैं हम द मैक्सिमम ओवरऑल लेंथ ऑफ सिंगल यूनिट बस सिंगल यूनिट बस में एंड टू एंड बम्पर टू बंपर अगर आप मिला करके देखें तो 12 मीटर मैक्सिमम से मैक्सिमम लेंथ हो सकती है फिर ट्रक ट्रैक्टर सेमी ट्रेलर कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें जिसमें एंड टू एंड फ्रंट बंपर टू एंड बंपर 16 मीटर से ज्यादा लेंथ नहीं होनी चाहिए ओवरऑल लेंथ ट्रक ट्रेलर कॉम्बिनेशन की ये एटीन मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए तो जो क्वेश्चन में आपसे पूछा था वो ये वाला पॉइंट आपसे पूछा था आईआरसी के अकॉर्डिंग ट्वेंटी मतलब फाइव से सिक्सटी माउंटेनियस उससे ज्यादा अगर स्लोप है तो उसे स्टीप कहेंगे ये टोपोग्राफी के बारे में या टेरेन के बारे में जानकारी आपको पता होनी चाहिए इस टेबल से रिलेटेड बेसिक का क्वेश्चन बनता है उसके बाद ट्रैफिक को काउंट करने के लिए हम पीसीयू यूज करते हैं पैसेंजर कार यूनिट अब ये जो पीसीयूज की वैल्यू है इनकी गाइडलाइन हमें आई आर सी सिक्सटी फोर से मिलती है अगेन ये रूरल रोड के लिए अर्बन रोड के लिए अलग अलग जानकारी होती है इन जनरल अगर आप याद रखना चाहें तो ये वाली वैल्यूज आप याद रख लीजिएगा स्पेसिफिकली ही अगर आपको देखना है तो स्पेसिफिकली फॉर रूरल रोड्स आप देख सकते हैं मोटरसाइकिल या स्कूटर को हाफ पीसीयू के बराबर काउंट किया जाएगा एक कार को पिकअप वैन को ऑटो रिक्शा को वन के बराबर कंसिडर किया जाएगा एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर अगर है तो उसे 1.5 के बराबर ट्रक या बस को तीन के बराबर ट्रक ट्रेलर एग्रीकल्चर ट्रैक्टर ट्रेलर का जो कॉम्बिनेशन है उसको फोर के बराबर साइकिल को हाफ पी के बराबर साइकिल रिक्शा को टू के बराबर हैंड कार्ड को थ्री के बराबर हॉर्स ड्रॉन व्हीकल जो है उसको फोर के बराबर है बुलेट कार्ड को एट के बराबर अब यहीं पर अगर अर्बन रोड्स के लिए आप देखें तो अर्बन रोड्स के लिए इनकी वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो जाती है लेकिन इन जनरल इतना वैल्यूज याद रख पाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है फिजिबल नहीं है आपके लिए तो बस ये वैल्यूज आप याद रख लीजिएगा जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि आई सजेशन के हिसाब से इक्यूबेलेंसी फैक्टर लार्ज बुलेट कार्ड के लिए कितना होगा सो आंसर वुड बी एट ट्रैफिक को डिजाइन करने के लिए एक साल का डेटा आप जो पिछले आप पूरे साल का डेटा कंसीडर करते हैं उसके जो टॉप थर्टी आर हैं टॉप तीस घंटे हैं उन टॉप थर्टी घंटों में से जो थर्टीएथ नंबर पे है उसके हिसाब से हम डिजाइन करते हैं थर्टीएथ हाइस्ट आरली वॉल्यूम हम कंसीडर करते हैं बेस्ड ऑन द थर्टीएथ आर वॉल्यूम ऑफ हाउ मच परसेंटेज टाइम ड्यूरिंग द ईयर कैन द डिजाइनर विलिंगली टॉलरेट अनफेवरेबल ऑपरेटिंग कंडीशन जीरो पॉइंट थ्री थ्री परसेंटेज ऑफ द टाइम अगर हम तीसवें घंटे के हिसाब से डिजाइन कर रहे हैं तो एक साल में ऐसे ट्वेंटी नाइन आवर्स होंगे जब कंजेशन हो जाएगा तो ट्वेंटी डिवाइड बाई थ्री सिक्सटी फाइव इंटू ट्वेंटी फोर आवर्स तो यह हो गया जीरो पॉइंट थ्री थ्री परसेंट तो यह है न्यूमेरिकल ऑल दो लेकिन ऐसे रिजल्ट अगर हम डायरेक्टली याद कर लेंगे एग्जाम में हमारे लिए बहुत हेल्प हो जाएगी एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक इज डिटरमाइनिंग एवरेज डेली ट्रैफिक वॉल्यूम फॉर रेक ईयर का डेटा लेते हैं द आई आर सी रिकमेंडेशन फॉर रूलिंग डिजाइन स्पीड ऑन अ नेशनल हाईवे आई आर सी स्पीड की बात करें नेशनल हाईवे के केस में एक्सप्रेस वेज में वन ट्वेंटी और मिनिमम स्पीड कम से कम हंड्रेड के लिए तो डिजाइन करो ही आप एक्सप्रेस वे को आप 120 के लिए डिजाइन करो लेकिन कम से कम 100 के लिए करो नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे को डिजाइन करना है रूलिंग मैक्सिमम सेफ स्पीड के हिसाब से तो 100 लेकिन कम से कम 80 के लिए तो करना ही है आपको क्लियर 50 क्वेश्चंस फॉर दिस सेशन नेक्स्ट सेट ऑफ 50 क्वेश्चंस करेंगे कल शाम को इसी टाइम पर इवनिंग एट पी अब से हम शाम को नौ बजे नहीं शाम को आठ बजे हमारा सेशन शुरू करेंगे अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं ये हमारा फर्स्ट सेशन था हाईवे इंजीनियरिंग के एमसीक्यूज का अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं आपने अपनी ऐप अप अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है डाउनलोड कर सकते हैं या संदीप जाने सिविल इंजीनियरिंग सर्च करेंगे तो भी आपको वहां पर ऐप दिखाई देगी डाउनलोड कर सकते हैं और वहां भी आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं आप कोड यूज़ कर सकते हैं सिबिल टू ज़ीरो टू फोर अगर आप कोई भी कोर्स के अंदर एनरोल होना चाहते हैं तो थैंक यू सो मच मेरा नाम है संदीप कल फिर से मिलते हैं सेम टाइम पर और बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ इसी तरह से मेहनत करते रहिए आगे बढ़ते रहिए एक पॉजिटिव वाइब अपने अंदर मेंटेन करके चलिए मोटिवेशन आपके अंदर ही है बाहर से कहीं भी मोटिवेशन देखने की आपको ज़रूरत नहीं है कंसिस्टेंसी अगर आप में है लगातार अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो डेफिनेटली रिजल्ट्स बहुत अच्छे प्रोड्यूस होंगे ओके थैंक यू सो मच सी यू अगेन गुड नाइट बाय